14वें प्रकरण में साधकों को आज्ञा देने के उपरांत इस 15वें प्रकरण में श्रीजी इस साधना का अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं। अभ्यास महत्वपूर्ण है। अभ्यास के बिना किसी भी विषय में प्रगति नहीं हो सकती। श्वेताश्वतर उपनिषद में इस अभ्यास की विधि कही गई है। स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ध्यान निर्मथनाभ्यासात् एवं पश्येन्निगूढवत्। अपने शरीर को नीचे की अरणि और प्रणव को ऊपर की अरणि बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से साधक छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित परम देव परमेश्वर को देखे। गीता में भी श्री भगवान अभ्यास की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहंचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। तुम्हारा यह कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है, इसलिए महामौन का भी अभ्यास करना पड़ता है। और वह अभ्यास कैसे करें, यह श्री जी इस प्रकरण में बतला रहे हैं। इसी प्रकरण के 111वें श्लोक में श्री जी इस ग्रंथ के पठन पाठन और अभ्यास का फल बताते हुए कहते हैं कि यदि इस ग्रंथ में बताई गई परमोच्च साधना का अनुष्ठान किया जाए तो उसे सद्गुरु की कृपा से प्रभु का साक्षात्कार सहज ही हो जाएगा। सकाम कर्मकांड का सम्यक आचरण करने के उपरांत जिन साधकों ने ज्ञान योग में प्रवेश करने की पात्रता प्राप्त कर ली है, ऐसे सद्भक्तों को श्रीजी महामौन शतक नामक यह ग्रंथ समर्पित करते हैं। महामौन बोधे महामौन भावे जगी हो महामौन शोधो निघ्यावे। महामौन हा शब्द त्यागो निजाना महामौन अर्था मनी पूर्ण आना। महामौन अभ्यास तो वाढ़वावा महामौन एकांत सेवित जावा। महामौन रूपा बड़े नित्य ध्यावे न सोनी महामौन रूपे असावे। महामौन ज्योत्या गुरु रूप माना महामौन ज्योतोचि सच्छेष्य जाना। महामौन हे निर्भय स्थान पाही पदा सोडिता सौख्य होणार नाही। महामौन विद्या महामौन भक्ति महामौन आज्ञा महामौन मुक्ति। महामौन हे द्रव्य मौने चि घ्यावे महामौन जाणो निया मौन भावे। महामौन ही उन्मनी ही विराली
महामौन तीखूण बाणो निगेली पुढ़े शब्द ही स्वस्वरूपी विराला म्हणोनी महामौन होवो निठेला असे सर्वदाते कदापि नसेना ही नाते कदापि असेना असा बोध मार्तंड ही तो निमाला स्वये निर्विकल्पी महामौन ठेला सदा सार्थ जो मौन ग्रंथा विवेची सुखे भेट होईल त्या माणिकाची अशी सत्यजी पूर्ण भक्त प्रतिज्ञा हरी तीच हो श्री प्रभु मुख्य आज्ञा नको न्याय व्युत्पत्ति दृष्टांत देणे रिझती न जे हो महाशब्द ज्ञाने महाभक्त की मुक्त जे संत ज्ञानी महाभक्त की मुक्त जे संत ज्ञानी तया अर्पिली ही महामौन वाणी तया अर्पिली ही महामौन वाणी।